नमस्कार, BCN न्यूज के खबरें सुपर फास्ट में मैं दिशा आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। कारगिल युद्ध में भारत को मिली जीत के आज 22 साल पूरे होने की खुशी में देश भर में जश्न मनाया जा रहा है। आज का दिन भारतीयों के लिए बेहद अहम है। यह दिन पाकिस्तान के धोखे और भारतीय सैनिकों की शौर्य की गाथा तथा बलिदान का प्रतीक है। आज विजय दिवस है। यह कारगिल युद्ध में शूरवीरों के सर्वोच्च बलिदान को याद करने का दिन है। अजय थाना क्षेत्र के कौशल्या नगर इलाके में शुक्रवार रात हुई संदिग्ध नवराली नामक युवक की हत्या में शामिल इलाके के खतरनाक अपराधी और मुख्य आरोपी शिवम गुरदे उर्फ शक्तिमान की सोमवार की सुबह इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। बता दें कि प्राथमिक जानकारी मिली थी कि इलाके के लोगों ने शक्तिमान को इतना मारा था जिससे वह गंभीर जख्मी हो गया और उसका मेडिकल में इलाज चल रहा था। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मीडिया सेल जिलाध्यक्ष नागपुर शहर अमित दुबे के नेतृत्व में शिष्टमंडल ने सोशल मीडिया पे निरंतर बढ़ते अपराध की रोकथाम के लिए क्राइम ब्रांच बिल्डिंग में साइबर पुलिस स्टेशन नागपुर शहर के सहायक पुलिस निरीक्षक केशव वाघ इन्हें ज्ञापन सौंपा। छब्बीस जुलाई यानी आज का दिन भारतीयों के लिए काफी अहम है। यह दिन भारतीय सेना के शौर्य और बलिदान का प्रतीक है। आज विजय दिवस है। यह पाकिस्तान के खिलाफ हुए कारगिल युद्ध में भारतीय शूरवीरों के सर्वोच्च बलिदान को याद करने का दिन है। इस बीच आज के दिन नागपुर के सोमवारी क्वार्टर के जाबाज सिपाही राजेश साहू आतंकी मुठभेड़ में शहीद हो गए, जिन्हें सोमवारी क्वार्टर के रहवासियों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की गई। प्लास्टिक की चार बोरियों में गांजा छिपाकर ले जा रहे तीन तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। तीनों से 78 किलो 360 ग्राम गांजा जब्त किया गया। गांजे की कीमत करीब 7,84,000 रुपए है। खबरें सुपर फास्ट में फिलहाल इतना ही। ऐसी अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए BCN न्यूज। नमस्कार।